Hello, this is Ankur Sharma. I'm an actor and welcome to Joinfilms. बड़ा महंगा टीवी लेके जा रहे हो? वो लेटेस्ट वाला है क्या? सर, अब इसी टीवी पर तेरे नाम की जेल में ब्रेकिंग न्यूज आएगी. सच बोलेगा? मैं टाइम पास के मूड में नहीं हूँ. अगर मेरा माता ठनक गया ना तो तू सच बोलेगा तब भी तुझे तोड़ता रहूंगा. पहले परेश के नाम की रिसिप्ट पर परेश के साइन लिए, फिर पैसे निकाले, लेकिन वो पैसे परेश को नहीं दिए. इसके कन्फेशन से एक बात तो क्लियर है कि हमारी पहली थ्योरी सही थी. परेश को पैसों के लिए नहीं मारा गया, लेकिन जिसने भी मारा है वो करीबी, लेकिन वो कौन हो सकता है? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि परेश ने पहले गुल्लू को मरवाया हो, उसकी दुकान का सामान लुटवाया हो और उसके बाद एडमिशन का बहाना करके फरार हो गया, और उसके बाद जिससे उसने ये काम करवाया उसी से झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर. जो सीरियल लगातार देखा जाता है, बार बार देखा जाता है, दिन में भी रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो है सीरियल क्राइम पेट्रोल. और उसको लोग लगातार देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं उससे. वो सीरियल में जो कॉप्स होते हैं वो आज हमारे साथ हैं, अंकुर शर्मा जी. वेलकम टू जॉइन फिल्म्स. वीरेंद्र जी, मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि मैं खुद भी जॉइन फिल्म्स को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. मुझे आपके इंटरव्यूज इतने अच्छे लगते हैं, इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं. मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जॉइन फिल्म्स का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है. मेरा पर्सनली ऐसा मानना है. और दर्शकों से भी चाहूंगा कि प्लीज वीरेंद्र जी के इंटरव्यूज देखते रहिए, इनके ब्लॉग्स देखते रहिए. इनके जो वीडियोस हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं अपकमिंग एक्टर्स के लिए, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो ये सपना रखते हैं कि एक्टिंग कैसे करें, किससे मिलें. क्योंकि इनके वीडियोज में इतनी सारी नॉलेज होती है, इतना सारा जानने के लिए होता है कि आपके लिए 50% जो स्ट्रगल है वो शायद कम हो जाए. ओके अंकुर, पुलिस का रोल करना अपने आप में एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज होती हैं उसकी, राइट? और अब क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के क्राइम्स दिखाए जाते हैं, पर इंस्पेक्टर तो आप सेम ही हैं, तो करेक्टर में क्या ऐसा अलग करते हैं जिससे कि ऑडियंस आपसे एंटरटेन हो सके या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके? सबसे बड़ी बात कि लोगों को ऐसा लगता है कि कॉप का कैरेक्टर प्ले करना बहुत ईजी है. बस मूछे उगा लो, छोटे बाल करवा लो, हाइट पर्सनैलिटी है तो कॉप तो आप लगते ही हो. ऐसा नहीं है. कॉप करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस कॉप के एटीट्यूड को अपने अंदर डालना पड़ता है, जो कि इतना ईजी नहीं होता हर किसी के लिए. आप कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन मेहनत लगती है. किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए मेहनत लगती है, उसी तरह कॉप का कैरेक्टर भी है. कॉप का कैरेक्टर के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि कॉप ऑन स्क्रीन कॉप या ऑफ स्क्रीन कॉप जो होते हैं वो इमोशनल नहीं हो सकते, बिकॉज उनका रोज का काम है क्राइम को देखना, क्राइम को शो, क्राइम के जो केसेस होते हैं उसे सॉल्व करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉप जो होता है बिहाइंड द स्क्रीन, जो ओरिजिनल कॉप है या जो शो में जो कॉप है, वो इमोशनल नहीं हो सकते. और दूसरी बात, हमें हर इंसान को शक की नजरों से देखना पड़ता है. सही बात. तो ये दो से तीन चीजें जो है वो कॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कैरी करना मस्ट है. इसके बिना आप रियल कॉप नहीं शो कर सकते ऑडियंस को, कि आप रियल कॉप जैसे दिखते हो या उनके जैसा बिहेव कर सकते हो. वो एटीट्यूड अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है. तो जब आप कॉप का रोल कर रहे हो, इतने पॉपुलर हो गए, तो ऑडियंस के बीच से रिएक्शन क्या मिलता है आपको? कभी कभी बहुत फनी रिएक्शंस मिलते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है काफी लोग आते हैं, आप पूछते हैं कि सर आप सच में पुलिस वाले हो? आप ठीक है, कद काठी वैसी है और काफी टाइम से कॉप कर रहे हैं, तो लोगों की एक धारणा बन चुकी है कि हम सच में कॉप्स हैं. शायद उन्हें लगता है, शायद हम अपनी मेहनत में सफल हुए हैं उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि हम रियल कॉप जैसे हैं. ओके ओके. वैसे जब हम लोग छोटे होते हैं, खासतौर से लड़कों को एक बड़ा क्रेज होता है कि मैं तो पुलिस में जाऊंगा, क्योंकि बड़ा एक अफेक्शन होता है उस कैरेक्टर के साथ, पुलिस के साथ. लेकिन क्या आपका यही था या एक्टर बनना था? नहीं, जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे आर्मी में जाना था. हाँ. मुझे आर्मी हमेशा से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती आई. लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता गया, होश संभाला, मुझे बॉलीवुड ने बहुत अट्रैक्ट किया. ओके, कैसे? वो ऐसे कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा तो मैं एक आर्मी का जवान भी बन सकता हूँ, एक इंस्पेक्टर भी बन सकता हूँ, डॉक्टर भी बन सकता हूँ. उसके लिए मुझे किसी एक पेशे में बनने की पेशे में बनने की जरूरत नहीं है. right. एक्टर बनके मैं सभी कैरेक्टर का प्ले कर सकता हूँ. बहरहाल मेरे बड़े भाई, मेरे कजन ब्रदर हैं,
आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, मनु ऋषि चड्ढा नाम है उनका। जी जी, अच्छा एक्टर है जी। तो बहुत छोटा था मैं, शायद 9th या 10th में था, मैंने फर्स्ट टाइम जब उन्हें टीवी पर देखा तो मैंने मम्मी से यही सवाल पूछा कि मम्मी अगर भैया आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता। तो मम्मी के पास जवाब बहुत अच्छा था और वही जवाब मेरे जहन में बैठ गया कि बेटा तू भी आ सकता है और आएगा। अरे वाह। तो शायद उनका यकीन था, उनका आशीर्वाद था कि मैं अब आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, ऐसा हो जाता है जब फैमिली में से कोई एक व्यक्ति कर लेता है तो उनको थोड़ा सा भरोसा जाग भी जाता है, आसान भी लगता है, अदरवाइज बड़ा अनसर्टेन लगता है ये फील्ड। नहीं, भरोसा मुझे खुद पर था। मैं किसी के दम पर या किसी के बेस पर मुंबई नहीं आया था, मैं अपने ही दम पर, मैं अपने ही भरोसे पर आया था, अपने अंदर ये यकीन लेकर आया था कि मुझे काम आता है, मुझे मालूम है कि क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, और नहीं भी मालूम है तो मैं मुंबई जाके सीखूंगा, लेकिन मैं काम करूंगा। ये मुझे यकीन था। और पहली बार आपको मौका मिला? पहली बार मौका मुझे बहुत ही छोटे कैरेक्टर के लिए मिला, जो मैं अभी भी याद रखता हूँ। एक छोटे से कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था उस वक्त। वो कैरेक्टर था एक होटल के मैनेजर का, वो एक एक सीन का कैरेक्टर था, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं मुंबई में काम कर रहा था। बहरहाल मैंने उससे पहले दिल्ली में भी काफ़ी काम किया है, दूरदर्शन के लिए बहुत ही हिट शो था स्कूल डेज, वो मैंने प्ले किया था 98 में। ये दिल्ली में रहते हुए किया? जी, ये मैंने दिल्ली में रहते हुए किया। तो मुंबई आने के बाद मेरा पहला ये काम था। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं सीढ़ी चढ़ता गया, छोटे से थोड़े बड़े कैरेक्टर्स मिलने लगे, लोगों को शायद मुझ पर यकीन होने लगा कि मैं कुछ हटके कुछ बेहतर भी कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे चांस दिया, मौका दिया, मुझ पर यकीन किया, भरोसा किया, और मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा। अंकुर भाई, सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि सब लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी हो, जॉब हो, और उसमें सबसे पहले वो सोचता है आदमी गवर्नमेंट जॉब का। वो जॉब आपको किसी कारणवश मिला, परिस्थितिवश, लेकिन उसको छोड़ के एक्टिंग में आने का मन बनाना, ठान लेना आसान नहीं होता, ये सब कैसे हुआ? दरअसल होता क्या है कि हर इंसान का एक सपना होता है। कई बार इंसान को किसी कारणवश वो काम नहीं मिल पाता जो वो करना चाहता है। गवर्नमेंट जॉब थी मेरे पास, एक जॉब सेटिस्फेक्शन था, एक एक बंदी इनकम थी, एक अपना घर था, सब कुछ था, वेल सेटल था, लेकिन दिल के अंदर एक टीस थी कि जो मुझे करना है, जो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, अपनी जॉब में जो मैं काम कर रहा हूँ इससे बेहतर मैं ये कर सकता हूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो टीस थी वो मेरे मन में थी। 2002 में मैंने ये इस फील्ड से गैप लिया, बिकॉज 2001 में मेरी जॉब लगी थी, गवर्नमेंट जॉब, और तब से लेकर 2010 तक मैं इस फील्ड से बिल्कुल डिटैच रहा, बिल्कुल अलग हो गया, एक्टिंग से बिल्कुल अलग हो गया, अपनी फील्ड के लोगों से अलग हो गया, लेकिन मन में ये था कि मुझे करना है, लेकिन कब करना है ये कुछ नहीं पता था। कब जाना है मुंबई, कैसे करना है, कुछ नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। सडनली मेरे एक मित्र के साथ मेरा शिरडी आना हुआ, शिरडी साईं बाबा के मंदिर, वहाँ से ऐसे ही मूड किया कि मुंबई आया जाए घूमने के लिए। मेरी नानी यहाँ रहा करती थी, मैं अपनी नानी के पास, नानी के घर आया कि नानी मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगा आपके साथ। बस वो जो मैं मुंबई आया, वापस जाने का मन नहीं किया। ओके। वो शायद साईं बाबा ने मुझे खुद ही वहाँ से भेज दिया और मेरे लिए सारे रास्ते आगे बना दिए उन्होंने, शायद उनका आशीर्वाद। तुम बैठे बैठे सोचते रहोगे, लाओ तुम्हें मैं छोड़ के आता हूँ। लेकिन भगवान भी आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद है उसके ऊपर, पड़ेगा भगवान से रास्ता दिखाएगा, चलना आपको खुद है। तो भगवान ने रास्ता दिखाया और मेरी समझ में आया कि मुझे मुंबई ही रहना है और वापस नहीं जाना है। लेकिन फिर भी ये एक तरह से जिगर लाना कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मतलब ये डर तो लगा होगा, नर्वसनेस तो हुई होगी अंकुर भाई आपको? अगर मैं ये कहूं कि डर नहीं था तो ये झूठ होगा। डर था, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन भी था कि आज नहीं तो कल मैं सक्सेस तो जरूर होऊंगा। तो जो सक्सेस का जो विचार था मेरे मन में, जो एक सेटिस्फेक्शन था सक्सेस होने का, जो एक्साइटमेंट था, उसने उस डर को दबा दिया। वेरी गुड। उस डर को दबा दिया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सबसे बड़ी बात यही होती है, अंकुर भाई ने छोटे में एक बहुत बड़ी बात कही कि डर तो सबको लगता है, बस वही पार चला जाता है सक्सेस के जो बस थोड़ा सा
प्रयास कर ले, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते कि नहीं यार करके देखते हैं, चलो एक बार ट्राई तो करते हैं जरा। एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये था कि मुझे मेरी फैमिली से हमेशा सपोर्ट मिला। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं ये डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं मुंबई आऊँ। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने यकीन रखा मेरे अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं आ पाया। राइट। अब एक बात ये आती है कि जॉइन फिल्म साहब जानते ही हो कि इस तरह की चीज़ें शेयर करता है ताकि लोग सीख सकें, समझ सकें और अपना एक बुद्धि को जागृत कर सकें। तो जब आप काम कर रहे थे यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ, पहले तो छोटे छोटे रोल किए आपने, इतने बड़े बड़े क्राइम पेट्रोल हो, CID हो, इन सब के साथ काम कर रहे थे, तो क्या पहली बार में सब आसानी से हो गया, नर्वस नहीं थे? नहीं, बिल्कुल आसानी से नहीं हुआ। जब मेरा सिलेक्शन CID के लिए हुआ था मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही मैं सेट पर पहुंचा और जब मैंने दिग्गज एक्टर्स को देखा, मिस्टर शिवाजी साटम सर को देखा, आदित्य श्रीवास्तव सर को देखा, दयानंद शेट्टी सर को देखा, तो जिनको हम बचपन से देखते आ रहे थे टीवी पे, आज बिल्कुल उनको अपने सामने बैठा हुआ देखकर मैं, सच बोलूं तो मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैं नर्वस हो गया था, और इतना नर्वस हो गया था कि मैं खड़ा हुआ था लेकिन मेरी टांगे कांप रही थी। तो वो नर्वसनेस दया सर ने और अभिजीत सर ने देखी, और उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया पहले ही सीन में। मुझे लगा ही नहीं कि ये इतने बड़े स्टार लोग हैं और मैं तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने मतलब मुझे यकीन दिलाया कि मैं भी उस फैमिली का एक हिस्सा हूँ, CID फैमिली का एक हिस्सा हूँ। तो एक्साइटेड था, नर्वसनेस थी, लेकिन वो बहुत जल्दी उनके उनके नेचर की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से बहुत जल्दी चली गई। मतलब ये साफ है कि आप लोग को जब नॉर्मल लगता है कि यार बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं वो बड़े डोमिनेट करते हैं और परेशान करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं एक्सपीरियंस से। बिल्कुल, है ना। अभी आप मुझे ये बताओ अंकुर भाई कि इतना जब शूट होता है, लगातार शूट होता है, कितने घंटे के शेड्यूल होते हैं आपके शूटिंग के? मतलब जो सोच के थे मजे मजे में आए थे काम करने, अब जब एक्चुअल काम करना पड़ता है तो वो गवर्नमेंट जॉब याद आती है आराम वाली, या यही सही है? नहीं देखिए, एक्टर दो तरह के होते हैं। कुछ एक्टर होते हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ एक्टर्स को, लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं कि जब खाली होते हैं तो उनको एक दिन का काम भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। ये बड़ी विडंबना है हमारी इंडस्ट्री की कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हैं वो घर बैठे हैं, महीनों महीनों घर बैठना पड़ता है, घर चलाना मुश्किल होता है। लेकिन जब काम आता है तो आपको 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, मैंने खुद 32 घंटे नॉनस्टॉप बिना सोए काम किया है। तो काम करने का क्राइटेरिया या टाइम लिमिट नहीं है कुछ, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में, तो एटलीस्ट प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हाँ वो बात अलग है कि जब आप किसी मुकाम पे हो तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको काम की जरूरत है, तब उन्हें आपकी जरूरत होगी। लेकिन इतने घंटे काम करने के बाद भी थकान रहती है या एक्साइटमेंट रहता है? थकान तो रहती है, इंसानी शरीर है, कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है एक इंसानी शरीर की, तो एक लिमिट के बाद थकावट तो होती है, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी होती है अंदर से कि हम एक्टर हैं, इन द एंड दिखना तो हमें ही है। क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ करना ना, थकान है, चेहरा ढल पड़ा हुआ है, लेकिन जैसी कैमरा ऑन हुआ तो यही कमाल एक एक्टर का कि आप जितने मर्जी थके हुए हों लेकिन कैमरे पर आपको बिल्कुल थका हुआ नहीं दिखना, आपको बिल्कुल फ्रेश दिखना है। भले ही आपको लास्ट नाइट सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली हो, लेकिन आपको अगले दिन कैमरे के सामने इतना फ्रेश दिखना है कि आपने अच्छी 10 से 12 घंटे की नींद दी हुई है, आपको दिखाना ही पड़ेगा। ओके, आपने इतने सालों का करियर अब आपका हो गया है, आपने अपने साथ बहुत सारे लोगों को चलते देखा होगा, बीच में रुकते हुए देखा होगा और उनका करियर खत्म होते हुए देखा होगा। क्यों कई अच्छे एक्टर भी रह जाते हैं, क्या वजह होती है, क्या एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, क्या वजह ऐसी होती है जिस वजह से कई बार अच्छे कलाकार भी राह में छूट जाते हैं? देखिए, आपको एक्टिंग आती है, आप एक्टिंग के बारे में जानते हैं, आपको एक्टिंग की बारीकियां पता है, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये एक अलग मैटर है, ये एक अलग चीज़ है। आप सेट पर एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, उससे आपको आपके काम के लिए तारीफ मिलेगी, लेकिन सेट पर एक्टिंग के अलावा आप बाकी यूनिट वालों के साथ, बाकी लोगों के साथ, या शूटिंग के अलावा भी आपका पर्सनल एटीट्यूड कैसा है बाकी लोगों के साथ, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप बीइंग एन एक्टर किसी स्पॉट वाले से, किसी साउंड
दादा से या कैमरा असिस्टेंट से आप अच्छे से बात नहीं करते हैं, एटीट्यूड रखते हैं बात बात में, अपने में एक घमंड सा लेके घूमते हैं कि हम तो एक्टर हैं, हम सेलिब्रिटी हैं, वो अगर एटीट्यूड आप रखते हैं सामने वाले को, अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो एक आपके माइनस पॉइंट में काउंट होता है, जो कि बहुत गलत है एक एक्टर के लिए। आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, आप काम करने आए हैं, आप अपने काम से मतलब रखिए, आप सिर्फ काम कीजिए, आपको क्या करना है आपका फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि इस पर कि अगर स्पॉट वाले को मैंने दो बार आवाज़ दी उसने नहीं सुनी तो तीसरी बार मैं उसे चिल्ला के या गुस्से में या डांट के बुलाऊंगा। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैंने कई एक्टर्स का देखा है ऐसा बिहेवियर, जो कि मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नहीं है, तो उनका मैंने डाउनफॉल भी देखा है, मैंने उन्हें बहुत अच्छा काम करते हुए भी देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि शायद ये वजह हो सकती है कि आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है इंडस्ट्री के अंदर, कि आप कैसा लोगों के साथ बिहेव करते हैं, वो टिके रहने में हेल्प करता है, कि मतलब अच्छे एक्टर होना भी जरूरी है और अच्छा इंसान होना उससे भी ज्यादा। आप भले ही अच्छे एक्टर हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन जब आप सेट पर पहुंचे तो आप अच्छे एक्टर से पहले अच्छे इंसान होना बहुत जरूरी है। आपका एक्टिंग बाद में देखी जाएगी, आपका बिहेवियर कैसा है बाकी लोगों के साथ वो पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा दिन गुजारना है उनके साथ, आपको पूरी यूनिट के साथ। एक चीज़ और पूछता हूँ, अब तो आपने काफ़ी काम कर लिया है, अब जब आपके जो ब्रदर थे, कज़न ब्रदर थे, वो तो इंडस्ट्री में ही थे, ठीक है, तो काम उनकी वजह से मिला, ऑडिशन से मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि मुझे काम मेरे भाई की वजह से नहीं मिला, मैंने कभी उनसे सपोर्ट नहीं लिया, ना कभी सपोर्ट मांगा, बिकॉज मेरा ये मानना था कि जब मेरे भाई ने अपनी मेहनत से इतनी कामयाबी हासिल की है तो उनके भाई होने के नाते मुझ पे भी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं भी उनका नाम इसी तरह रोशन करूं कि जब उन्होंने अपने दम पे हासिल की है तो मैं भी अपने ही दम पर सक्सेस हासिल करूँ, अपने ही दम पर काम पाऊँ। तो मैंने कभी भी उनसे ये नहीं बोला कि भैया मुझे काम चाहिए, मेरी मदद कीजिए, मैंने खुद ही मेहनत की, खुद ही ऑडिशंस दिए, खुद ही लोगों से कॉन्टैक्ट्स किए, सभी को मिलता है काम, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलता, मिलता सभी को है, किसी को देर से मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, मिलता सभी को है। तो जो हम अक्सर कहते हैं कि निरंतरता से ही अंतर आता है, अब बस निरंतर चलते रहिए, काम जरूर मिलेगा। अंकुर जी, अभी और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप कर रहे हो? मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म की थी सत्यमेव जयते, जिसमें मेरा मनोज श्रीवास्तव का कैरेक्टर था, एक करप्ट कॉप का कैरेक्टर था। जॉन इब्राहिम जी के साथ बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मनोज वाजपेयी जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, इतने बड़े दिग्गज एक्टर हैं दोनों। और अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म कंप्लीट की है, अनिरुद्ध रॉय चौधरी हैं जो जिन्होंने पिंक बनाई थी, उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की है। लेटेस्ट मैं अभी सनी देओल जी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, सनी देओल जी इसमें मेन लीड हैं, और अनिरुद्ध रॉय चौधरी जी के साथ ही दो फिल्में और कर रहा हूँ। क्या बात, उसके बारे में मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं डिस्क्लोज कर सकता ये बात। लेकिन अभी आपने टीवी भी कर लिया, थिएटर पहले किया था आपने, अब आप फिल्में भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है आज के दौर में एक एक्टर के पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ गई हैं, एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ गया, कास्टिंग थोड़ी सी बदल गई है? जी, मतलब अगर आप आज से 10 या 15 साल पहले जाएं पीछे तो स्ट्रगल आज भी है, स्ट्रगल तब भी था, लेकिन आज एक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि अब आपके पास एपिसोडिक शोज भी हैं डेली सोप के अलावा, जो कि पहले अट्रैक्ट किया करता था एक्टर्स को कि डेली सोप करना है, अब वैसा नहीं है। अब एक्टर एपिसोडिक शो, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ऐसे शोज हैं जो नए कलाकार जो आ रहे हैं मुंबई उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, उनके लिए, लोगों के लिए। उसके अलावा वेब सीरीज है, शॉर्ट फिल्म्स हैं, आप नए नए ऐप्स जो हैं आप देखिए, उन पर बहुत अच्छे अच्छे वेब सीरीज हैं। राइट, तो आने वाले टाइम में और जो अभी टाइम चल रहा है, बहुत से ऑप्शंस हैं एक्टर्स के लिए, डिपेंड करता है आपकी मेहनत और आपके लक के ऊपर। नहीं, मुझे ये भी लगता है जैसे पहले क्या होता था फिल्मों में, अगर कोई कॉप बनता आ रहा था वही कॉप बनता था, टीवी से नए को नहीं लिया जाता था, लेकिन अब वो थोड़े से ऑप्शन ओपन हुए हैं कुछ हद तक। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी पर्टिकुलर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को या किसी कास्टिंग पर्सन को, बिकॉज
क्या होता है कि अगर हमने किसी एक्टर को एक कॉप के कैरेक्टर में देख लिया और हमें लगा कि हाँ ये कॉप कैरेक्टर अच्छा कर रहा है, तो कास्टिंग वालों का ये मानना होता है कि यार इस कैरेक्टर में, इस कॉप के कैरेक्टर में उन्होंने वो अच्छा किया था, उन्हें बुला लिया जाए। तो इस चक्कर में होता क्या है कि कास्टिंग वालों का काम तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन उस एक्टर के लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि टाइप कास्ट में वो बंद के रह जाते हैं, फिर उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल को एक्सप्लोर करने के लिए मौका बहुत कम मिल पाता है। तो आप अंकुर कास्टिंग का भी कभी कभी काम करते हो, आप एक एक्टर भी हो, ये जो दो रोल हैं रियल लाइफ में भी इनके अलग अलग, तो जब आप कास्टिंग करते हो तब आप किस माइंडसेट से काम करते हो? एक नया एक्टर को या कोई भी फ्रेशर आ रहा है तो? मेरे साथ बहुत दुविधा होती है, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं जब कास्टिंग करता हूँ तो मेरे साथ बहुत दुविधा होती है, क्योंकि मैं कास्टिंग करते हुए कास्टिंग डायरेक्टर वाला काम तो कर रहा होता हूँ, लेकिन बैक स्टेज में मेरा एक्टर भी चल रहा है। और उस वक्त मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं खुद जो सोचता हूँ मैं उस एक्टर के साथ ना करूँ, मैं जैसा खुद सोचता हूँ कास्टिंग वाले के लिए वो एक्टर मेरे बारे में ना सोचे। तो मेरे पास बहुत दुविधा वाले ऑप्शंस होते हैं जब मैं कास्टिंग कर रहा होता हूँ। मेरी तरफ से ये कोशिश रहती है कि मैं हर अच्छे एक्टर को वो चांस दिला पाऊँ, अपनी तरफ से कोशिश कर पाऊँ जो वो डिजर्व करता है एक्चुअली में, क्योंकि एक्टर के लिए बाउंड्रीज नहीं है। वो अगर कॉप प्ले कर सकता है तो वो क्रिमिनल भी प्ले कर सकता है, क्योंकि एक्टर एक्टर है। आप उसे वो एक पानी की तरह है, आप उसे किसी भी बर्तन में डालेंगे वो उसी बर्तन आकार ले लेगा। जब आप दिल से कोई किरदार निभाते हो तो वो बिल्कुल ना सच्चा लगने लगता है, और इन लोगों की मेहनत तो इतनी है कि अब पुलिस वाले भी इनको पुलिस वाला मानने लग गए हैं। तो जो पुलिस फंक्शन होता है और उसमें आपको इनवाइट किया जाता है, वो क्या एक्सपीरियंस है? दरअसल अभी लास्ट वीक की ही बात है, थाने पुलिस ने हमें इनवाइट किया अपने पुलिस फंक्शन में, उनका दिवाली का अपना पुलिस फंक्शन था। तो जिस तरह उन लोगों ने हमारा वेलकम किया और जिस तरीके से वो रियल पुलिस वालों से मिल रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इतना सम्मान मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली, हमें लगा कि वाकई में, क्योंकि लोगों का मानना ज्यादातर ये होता है कि पुलिस करप्ट है। ठीक है, हर तरह का होता है, कुछ हिस्सों में कुछ जगह हो सकता है कि कुछ लोग हों, लेकिन सभी लोग ऐसे हैं, सभी पुलिस वाले ऐसे हैं, नहीं है ऐसा। क्योंकि अगर आप रात को चैन से सो पा रहे हैं तो वो उसी पुलिस वाले की वजह से है जिसे आप करप्ट समझते हैं, क्योंकि वो दिन रात 24 घंटे की ड्यूटी देता है, बिना अपने बच्चों और बीवी से मिले हुए, बिना कोई फेस्टिवल मनाए अपने खुद के, आपके फेस्टिवल अच्छी तरह से मने इसलिए वो अपनी ड्यूटी देता है, चौराहे पर खड़ा होकर आपके घर के पास में, ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, आपकी सुरक्षा के लिए। वो हमें वेलकम कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमें उन्हें थैंक्स करना चाहिए, right, कि उनकी वजह से हम सेफ फील करते हैं। राइट right. तो ये बात बिल्कुल सही कही अंकुर ने कि देखिए सिस्टम करप्ट नहीं है, कुछ बस गिनती के लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, उसमें आप पूरी पुलिस को बदनाम नहीं कर सकते, सब कुछ सही है, तभी हम अमन चैन से जी पा रहे हैं। थैंक यू अंकुर, थैंक यू वेरी मच कि आपने जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, नॉलेज शेयर किया, इससे इनको सीखने को मिलेगा। और इसकी वजह यही है कि अब देखिए टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो इसलिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों की उम्मीद जिंदा रहे। ये बहुत जरूरी होता है, सब कुछ बर्बाद होने पर भी आप सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं अगर उम्मीद बरकरार रहे। तो आपको जो सपनों को पूरा करने की जो आपकी उम्मीद है उसके लिए ये सब लोग अपना समय निकालते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सपनों के साथ गद्दारी ना करें, डरे नहीं, सही तरीके से इंडस्ट्री में आए, आपको काम जरूर मिलेगा अगर प्रॉपर सीख के आएंगे, समझदारी से काम करने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।